आपको ले चलते हैं राजस्थान, जहां पर जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झंडा फहराया। ये उस वक्त की तस्वीरें और इसके साथ ही राज्य की जनता को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। राज्य की जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता आठ दर्द साल तक जेलों बंद रहे थे, सरदार पटेल हो, मौलाना कलाम आजाद हो, लंबी फहरिस्त है। बाद में संविधान बना, डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया संविधान, बनाया आजादी के बाद में भी लंबा संघर्ष किया। कितने साल पहले मुल्क आजाद हुआ था, ना बिजली, ना पानी, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना सड़कें। गांव की बात छोड़ दीजिए, शहरों में नहीं हुआ करती थी, सुई भी बाहर से बन जाती थी। बिजली क्या होती है लोग समझते नहीं थे। वहां से शुरुआत करी और मुझे कहते गर्व है कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस रूप में दूरदृष्टि दिखाई, आत्मनिर्भर देश बनाने का संकल्प व्यक्त किया, बड़े बड़े संस्थान खड़े कर दिए, चाहे IIT, IIM, एम्स, इसरो, DRDO जैसी संस्थाएं की स्थापना कर दी गई, पूरे विश्व में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी, बड़े बड़े बांध बनाए गए, बड़े बड़े कल कारखाने लगाए गए। आज वो नींव इतनी पक्की है इस मुल्क की, 70 साल के बाद में हम लोगों ने जो प्रगति करी है विज्ञान में, तकनीकी के अंदर, उद्योग में, धंधों में, पूरे देश के अंदर पानी, सिंचाई की योजनाएं, किसानों के लिए शिक्षा, उच्च शिक्षा की संस्थान, राजस्थान में भी हमने इस एक साल में करीब 40 नए कॉलेज भी खोले हैं। पूरे देश के अंदर पानी की समस्या हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, बड़े बड़े बांध हो, कोई कमी नहीं रखी। आधुनिक राजस्थान का निर्माण भी हुआ राजस्थान के अंदर। सरकारें आई है या गई है, परंतु इस मुल्क में, इस देश में, इस प्रदेश में लोकतंत्र कायम रहा और लोकतंत्र के आधार पर सरकारें बनती गई है। संघर्ष लंबा चला, आजादी के बाद में चाइना के साथ में युद्ध हुआ 62 का, 65 में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए हमारी फौजों ने, मैं उन शहीदों को भी याद करता हूं। राजस्थान को गर्व है कि यहां घर घर के अंदर जाबाज सैनिक जो सरहद की रक्षा करते हैं, उनको प्रदेश भूल नहीं सकता, देश भूल नहीं सकता। किस प्रकार से 71 की लड़ाई लड़ी गई बांग्लादेश को इंदिरा गांधी के वक्त में, जो जंग लड़ी गई, बांग्लादेश आजाद करवाया गया नहीं, बल्कि 93,000 पाकिस्तान के जनरल, कर्नल, मेजर
सैनिकों का आत्मसमर्पण करवा दिया। ये कोई मामूली घटना ही नहीं थी देश के अंदर। किस प्रकार से कारगिल के युद्ध हुआ वाजपेयी के वक्त में, छक्के छुड़ा दिए पाकिस्तान की फौजों को वापस पीछे हटना पड़ा। इतिहास गवाह कि देश के लोगों ने, उनकी शक्ति ने, उनकी सोच ने देश में लोकतंत्र को मजबूत किया।